नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसपी फ्लैश टूल के बारे में, जो कि मीडिया टेक सीपीयू को फ्लैश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में जो हम आज जानेंगे कि उसको किस तरीके से जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए, और लेटेस्ट जो है एसपी फ्लैश टूल हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्केट में ऑलवेजली नए मोबाइल्स फ़ोन्स जो आते रहते हैं। अगर हम बात करें अभी की दो जारी किसकी, तो वीवो, ओप्पो और रेडमी के काफ़ी ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मीडिया टेक सीपीयूज के साथ जो है लॉन्च हुए हैं। तो मीडिया टेक के काफ़ी सारे सीपीयूज हैं जो कि 2021 में लॉन्च किए गए हैं। तो उन सब की सपोर्ट के लिए जो है लेटेस्ट एसपी फ्लैश टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम उन सभी फ़ोन्स को जो है फ्लैश करना चाहते हैं, पैटर्न हटाना चाहते हैं, या फिर तो उन सभी लेटेस्ट मोबाइल्स को जो है फ्लैश करने के लिए लेटेस्ट एसपी फ्लैश टूल भी होना ज़रूरी है हमारे पास। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी लेटेस्ट मोबाइल्स आ रहे हैं अभी, ज़्यादातर की सिक्योरिटी जो है ब्रेक हो चुकी है ऑथ फ्री सॉल्यूशन, मतलब उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो बाईपास कर देते हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जैसे कि UMT, हाइड्रा, अनलॉक टूल, मिरेकल, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस ऐसे हैं जो हमें ये ऑथेंटिकेशन फ्री जो है चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, मीडिया टेक ऑथेंटिकेशन बाईपास जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उससे क्या है, डायरेक्ट जो है हम अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और डाउनलोड कर लेते हैं लेटेस्ट एसपी फ्लैश टूल को। तो आप भी कहोगे यार क्या एसपी फ्लैश टूल को डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, लेकिन क्या है ना लेटेस्ट फ्लैश टूल जो है कई लोगों को मिल नहीं पाता। तो उसी का जो है मैं डायरेक्ट लिंक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको ढूंढ सकते हो। तो डायरेक्ट हम सर्च करते हैं यहाँ पे एसपी फ्लैश टूल। तो देखिए आप देख सकते हैं spflashtool.com है, इस पे जो लेटेस्ट दिखा रहा है अभी ये वो दिखा रहा है 19 वर्जन 5.1924। ये देखिए लेटेस्ट जो है अभी ये वाला वर्जन दिखा रहा है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ये नहीं है, वर्जन 6 जो है अभी आ चुका है। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एसपी फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे आना है और सर्च करना है एसपी फ्लैश टूल, और जो androidmtk.com है इस पे आपको सर्च करना है, इस वाले लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। ये जो है सबसे लेटेस्ट टूल जो हमें प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए सभी के सभी जो वर्जन है इसमें आपको मिल जाएंगे, पुराने से लेके नए तक के वर्जन आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो चल रहा है अभी वर्जन 6। अगर वर्जन 5 की बात करें तो वर्जन 5 में जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है वर्जन 5.2124। ये जो है वर्जन 5 का लेटेस्ट चल रहा है, और वर्जन 6 का जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है वर्जन 6.2124। या आप अपने ऑपरेटिंग विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और लिनक्स के लिए अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी नीचे इन्होंने दे रखा है, तो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं इसको। तो ये देखिए ये नया जो है एसपी फ्लैश टूल आया है वर्जन 6। तो वर्जन 6 का इंटरफेस हम देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। तो लिंक आपको मिल जाएगा, मीडिया फायर का मिल जाएगा, किसी को भी, मतलब किसी भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे। तो ये जो है डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसको डेस्कटॉप पे करते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा लेटेस्ट एसपी फ्लैश टूल वर्जन 6 है, जो कि हमारे लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के लिए यूज होगा। तो ये देखिए इसका कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआई काफी चेंज कर दी इन्होंने। डिवाइस की इन्फो जब आपको यहाँ नजर आएगी, अब इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया विद बैटरी और विदाउट बैटरी, और एक ऑटो रिबूट का भी फीचर जो है इन्होंने इसमें डाल दिया है कि जब आपका फ़ोन जो है कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिबूट जो है वो करेगा आपका।
फ्लैश कंप्लीट हो जाने के बाद। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें और दिए गए हैं। तो ये देखिए, इसका स्टार्टिंग वेलकम पेज है। फॉर्मेट के ऑप्शन में वही मिलेगा आपको, मैनुअल फॉर्मेट भी आप कर सकते हो और ऑटो फॉर्मेट भी आप इसको जो है कर सकते हो। डाउनलोड टैब में भी वही रहेगा, तीन ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड का और फर्मवेयर अपग्रेड का और डाउनलोड टूल का। सेम बाकी स्कैटर फाइल और डाउनलोड XML फाइल, ये देखिए। अब स्कैटर फाइल जो है यहाँ से हटा दी गई है। अब अगर आपको फ्लैश करना है फ़ोन अपना, तो उसके लिए आपको जो है XML फाइल का पाथ यहाँ से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्कैटर फाइल का पाथ यहाँ से दे देंगे और ये चल पड़ेगा। तो XML फाइल आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन फाइल भी मांग रहा है ये। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शंस की लिस्ट भी इन्होंने काफ़ी कम कर दी है यहाँ से। दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस तरीके से जो है आप SP Flash Tools के जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी सारे वर्जन जो है यहाँ पे है, वर्जन 5 में भी है, 6 भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो मोबाइल की फ्लैशिंग के अकॉर्डिंग सूटेबल है, मान लो अगर आपका जो फ्लैश फाइल है, फर्मवेयर है, अगर आपका वो XML फॉर्मेट में है तो आप वर्जन 6 के लिए जा सकते हो, अगर आपका स्कैटर फॉर्मेट में है तो आप वर्जन 5 तक जो है यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना आपने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।